हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सेहत और लाइफ यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, गठिया यानी कि अर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी जिसमें व्यक्ति का चलना, फिरना, उठना, बैठना, डेली के रूटीन के काम करना बड़े ही मुश्किल हो जाते हैं। तो इसी बीमारी के बारे में आज मैं आपको बता रहा हूँ, गठिया क्या होता है, क्यों होता है, क्या लक्षण होते हैं और क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल होता है, किस तरीके से आप अपना इलाज करवा सकते हैं, इसी चीज के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। दोस्तों, आर्थराइटिस की बीमारी में जोड़ों में सूजन आ जाती है जिसकी वजह से जोड़ों में दर्द होता है और जोड़ अकड़ जाते हैं और यह समस्या उम्र बढ़ने के साथ साथ और ज्यादा बढ़ती जाती है। यह बीमारी बहुत ही आम है। भारत में हर साल लगभग 10 करोड़ नए मामले आर्थराइटिस के सामने आते हैं। आर्थराइटिस का इलाज करवाने से फायदा मिल सकता है, लेकिन अर्थराइटिस को हमेशा के लिए परमानेंटली ठीक नहीं किया जा सकता। यह बीमारी लाइफ लॉन्ग होती है। इस बीमारी का पता लगाने के लिए जांच करना जरूरी होता है। बिना जांच किए इस बीमारी का पता नहीं लगाया जा सकता और जांच करने के लिए अलग अलग प्रकार के टेस्टों का सहारा लिया जाता है। अर्थराइटिस अलग अलग प्रकार का होता है और हर टाइप के लिए एक अलग कारण होता है, यानी अलग अलग कारणों की वजह से अर्थराइटिस के अलग अलग प्रकार पैदा होते हैं। अर्थराइटिस के कई कारण होते हैं, जैसे इंजरी यानी कोई चोट लगना, एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म यानी मेटाबॉलिज्म का सही ना होना, इनहेरिटेंस यानी फैमिली हिस्ट्री, अगर आपके परिवार में पहले से ही ये बीमारी चली आ रही है, आपके फैमिली के दूसरे लोगों को भी है तो आपको भी होने के चांसेस होते हैं, कोई इन्फेक्शन होना, इन्फेक्शन की वजह से भी अर्थराइटिस होता है, और इम्यून सिस्टम डिसफंक्शन यानी इम्यून सिस्टम में कमजोरी की वजह से भी अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है। ज्यादातर अर्थराइटिस एक या एक से ज्यादा कारणों की वजह से होते हैं। अर्थराइटिस में कुछ इस प्रकार के लक्षण सामने आते हैं, जैसे पेन होना, स्वेलिंग यानी सूजन होना, चलने फिरने में दिक्कत होना और अकड़न होना, जो जोड़ हैं वो अकड़ जाते हैं, और सुबह सुबह ऐसी प्रॉब्लम खासकर देखने को मिलती है। पैरों के एंकल्स में पेन हो सकता है, पीठ में पेन हो सकता है, उंगलियों में, हाथों में, मसल्स में, गर्दन में और रिस्ट में, इन सब जगह पे पेन होती है। यह पेन मध्यम भी हो सकती है और शार्प भी हो सकती है, यानी तेज भी हो सकती है। यह पेन बैठे बैठे भी हो सकती है और चलते फिरते भी हो सकती है। इसकी वजह से चलने में कठिनाई होती है, मसल्स में कमजोरी महसूस होती है और पूरे शरीर में कमजोरी महसूस होती है। अगर हम इसके इलाज की बात करें तो इसमें दवाइयाँ, फिजियोथेरेपी और कभी कभी सर्जरी के द्वारा सिम्टम्स को सुधारा जा सकता है और जिंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है। कुछ चीजों का इस्तेमाल करके आप घर पर ही गठिया का इलाज कर सकते हैं, जैसे कि हीटिंग पैड यानी सेंक देना। सेंक देने से आपके मसल्स में होने वाली दर्द दूर हो जाएगी और आपके जोड़ों में होने वाली दर्द भी दूर हो जाएगी। दूसरा, आप घर पर रहकर हल्की एक्सरसाइज जरूर करें। एक्सरसाइज आपको कौन सी करनी है यह आप अपने डॉक्टर से पूछें, वह आपकी कंडीशन के हिसाब से आपको एक्सरसाइज बताएंगे और इस एक्सरसाइज से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसके अलावा आप अपना वजन कंट्रोल में रखिए। अगर आपका वजन कम होगा तो आपके जोड़ों के ऊपर वेट कम पड़ेगा, इससे भी आपको गठिया में बहुत आराम मिलेगा। इसके लिए आप अपनी डाइट का ख्याल रखिए और जैसे कि मैंने पहले बताया कि एक्सरसाइज करिए, इससे आपका वेट भी कम होगा और आपकी दिल की सेहत भी अच्छी बनेगी। एक्सरसाइज के रूप में आप योगा भी कर सकते हैं, इससे भी आपको फायदा होगा। आप ठंडे पैड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इससे आपके जोड़ों में जो सूजन है वह कम होगी। इसके लिए आप बर्फ का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आपको दर्द में भी राहत मिलेगी। अगर हो सके तो आप गर्म पानी के टब में बैठिए, कुछ मिनट के लिए गर्म पानी के टब में बैठिए, इससे आपको बहुत ही फायदा मिलेगा और आपको बहुत ही आराम महसूस होगा। आप अपने शरीर की मालिश भी जरूर करें, इससे आपके मसल्स में जो खिंचाव है वह दूर होगा। अगर समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो आप सर्जरी का सहारा भी ले सकते हैं। कुछ सर्जरीज अवेलेबल हैं, जैसे हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी जिसमें आपका हिप रिप्लेस किया जाता है, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी जिसमें आपका घुटना बदल दिया जाता है और नया घुटना लगा दिया जाता है, और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी जिसमें खराब जॉइंट को निकाल दिया जाता है और उसकी जगह पे नया नकली जॉइंट लगा दिया जाता है। दवाओं के जरिए भी आप अर्थराइटिस की समस्या को कम कर सकते हैं। इसके लिए नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स दी जाती हैं। इन दवाओं से पेन में राहत मिलती है, सूजन कम होती है और बुखार भी नहीं होता। इसके अलावा इस बीमारी में स्टीरॉयडल ड्रग्स, एनाल्जेसिक ड्रग्स
नार्कोटिक्स और इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स भी दी जाती हैं। लेकिन यह दवाएं और सर्जरी का इस्तेमाल तभी करना चाहिए अगर समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कोशिश करनी चाहिए कि इन सब के बिना ही आप अपनी बीमारी को मैनेज कर सकें, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है, दूसरे तरीकों से, जैसे मसाज, हीटिंग पैड, कोल्ड पैड, फिजिकल एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, योगा करना और अपने वेट को कंट्रोल में करना। लेकिन अगर समस्या बढ़ जाए तो फिर आप सर्जरी और दवाओं का सहारा भी ले सकते हैं। ये थी कुछ बेसिक सी जानकारी अर्थराइटिस के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।